Now I am going to start the second part of second chapter of science of class 5 animal world जानवरों की दुनिया। अब इसमें हम लोग पिछला फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि उनका हैबिटेट कैसा है, कैसे भोजन करते हैं, उनका जो मुख है उसका प्रकार कैसा है, कैसे भोजन को चबाते हैं, कैसे वे ब्रीदिंग करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम उनके मूवमेंट के बारे में जानेंगे और दूसरा चीज़ जानेंगे कि उनका माइग्रेशन कैसे होता है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च फॉर फूड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड टू बिल्ड रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेसेस। कहता जो जीव जंतु होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं, खाने की खोज में, सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज और अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए, एंड बिल्ड रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेसेज और रहने के लिए घर बनाते हैं और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए भी जगह बनाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस फॉर मूवमेंट। और जो अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं वो अलग प्रकार से मूव करते हैं, चलते हैं। मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स कैरीड आउट बाय डिफरेंट वे। जो जमीन पर रहते हैं वो अलग अलग प्रकार से चलते हैं। पहला रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले हैं लाइक क्रोकोडाइल चेमोलियंस एंड लिजार्ड क्रॉल ऑन द लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट लेग्स। ये जो क्रोकोडाइल हैं ये चेमोलियन बोलते हैं किसको, ये छिपकली का प्रकार का होता है, समझ गए, हम इसको गिरगिट बोलते हैं और लिजार्ड बोलते हैं छिपकली को। ये सब रेप्टाइल्स हैं, इनका पैर होता है और पैर के सहारे जमीन पर चलते हैं। स्नैक्स डू नॉट हैव लेग्स, एक रेप्टाइल स्नैक भी होता है लेकिन उसको पैर नहीं होता है। दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स एंड स्केल अटैच टू द अंडर साइड ऑफ दियर बॉडीज। उनके शरीर के भीतर में जो प्लेट और स्केल होते हैं उसके सहारे चलते हैं। द स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सीबल मसल्स ऑफ द स्नैक कंट्रैक्ट एंड स्ट्रेन एंड हेल्प इट टू मूवमेंट फॉरवर्ड। और उसके शरीर के अंदर स्ट्रॉन्ग मसल होता है जो कि फैलता और सिकुड़ता है, इसी के सहारे सांप जो है चलता है, रेंगता है बहुत तेजी से। अब है मैमल्स है फोर वेल डेवलप्ड लिम्स। कहता है मैमल जिसको स्तनधारी बोलते हैं जो कि जन्म देता है बच्चों को, ये जो स्तनपाई जानवर हैं इनको चार पैर होता है। काउज डॉग्स हॉर्सेस चीता यूज ऑल दियर फोर लिम्स फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। कहता है ये सब जो जानवर हैं गाय कुत्ता घोड़ा चीता शेर बाघ ये सबको क्या होता है, चार पैर होता है और इसी के सहारे ये चलते हैं और तेजी से दौड़ते भी हैं। अब इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट कैसे चलते हैं, इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, इंसेक्ट को छह पैर होता है विच आर यूज फॉर मूवमेंट और उसके सहारे वो चलते हैं। एंट्स एंड कॉकरोचेज क्रॉल विद द हेल्प ऑफ दियर लेग्स और जो मक्खी होता है कॉकरोच होता है पैर के सहारे रेंगता है। लॉक्टस एंड ग्रासहॉपर्स हॉप विद स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग हिंड लिम्स और ये जो लॉक्टस होते हैं समझ गए और ग्रास ऊपर सोते हैं इनका लंबा लंबा पैर होता स्ट्रॉन्ग हैंड लिम्स और पैर दोनों देखेंगे रहता है छः गो, इसका चार गो रहता है, दो ठो पीछे के बाहर छः गो रहता है, दो ठो आगे और चार पीछे। ग्रास ऊपर से हम लोग देखते हैं कहाँ देखते हैं तो जो घास फूस होता है उसमें रहता है, उनके वो घर भी चलाता है इसके सहारे चलता है। इन अर्थ मूव्स बाय चेंजिंग इस बॉडी से और जो लोग चेहरा को देखते हैं अर्थवॉर्म को ये शरीर के आकार को बदलता है कैसे, इस बॉडी सिगमेंट एक्सपेंड इन कंट्रैक्ट मेकिंग मूवमेंट फॉरवर्ड। आप देखेंगे चलते हुए चेहरा को अर्थवॉर्म को तो अपने शरीर को सिकुड़ाएगा फैलाएगा उसी के सहारे चलता है। अब मूवमेंट इक्विटिक एनिमल्स, अब जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे मूव करते हैं। कहता है लाइक फिश इज डन बाय फिन्स और जो
मछली है उसका एक फिन होता है, देखते हैं आप पूंछ प्रकार का, और पीछे पूंछ में भी फिन होता है, तो फिन के सहारे मछली क्या करता है पानी में तैरती है। टेल फिन इज यूज टू चेंजिंग डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग, और पूंछ जो होता है पूंछ का फिन उसके सहारे वो पानी में तैरते समय अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। टर्टल एंड टर्टवाइज हैव पेडल लाइक फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स विच हेल्प देम पुश वाटर एंड मूव फॉरवर्ड। जो कछुआ होता है उसको पैर में चार लिम्ब होता है, पैडल लाइक होता है, समझ गए, चौड़ा चौड़ा, और उसके सारे क्या करता है ये पानी में तैरता है और आगे बढ़ता है। फ्रॉग्स हैव बेव्ड फीट टू स्विम इन वाटर एंड लॉन्ग हिंड लिम्स टू होप ऑन लैंड। कहता है कि इसका जो मेढक होता है, इसका झिल्लीदार होता है पैर पानी में तैरने के लिए, और लंबा जो आगे पीछे चार हाथ पैर होता है ये उछलने के लिए जमीन पर उछलने के लिए। पेंगुइन यूज दियर फोर लिम्स एज फ्लिपर्स टू पुश वाटर एंड स्विम, दे यूज दियर शॉर्ट हिंड लिम्स टू वॉक ऑन लैंड। पेंगुइन जानते हैं कहा रहता है ठंड प्रदेश में, बिल्कुल आप देखिएगा वो पानी में भी तैरता है और जमीन पर भी चलता है, तो पानी में भी उसका झिल्लीदार जो पैर होता है उसी के सहारे वो तैरता है, हाथ और पैर के सहारे, और जमीन पर पैर वाला जो होता है पैर से चलता है। डक दो पैर से चलता है, आप देखते हैं पेंगुइन को चलते हुए, देखने में लगेगा पक्षी जैसा पेंगुइन, और पेंगुइन पक्षी नहीं है लेकिन इसका शरीर देखने में, क्योंकि हमेशा ये पानी में भी रहता है और जमीन पर भी चलता है, तो चिड़िया का जैसे पंख होता है ऐसा इसका नहीं रहता है। डक्स एंड स्वाम्स हैव बेव्ड फीट एंड वेडिंग लिम्स टू स्विम इन वेड इन वाटर। तो जो डक है, बत्तख और हंस, इसका भी पैर होता है झिल्लीदार होता है क्योंकि पानी में तैरता है, समझ गए, और पानी में तैरता है थोड़ा थोड़ा, ये उड़ता भी है क्योंकि इसको पंख भी होता है, समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मूवमेंट इन एरियल फ्लाइंग एनिमल्स, वैसे पक्षी जानवर जो हवा में उड़ते हैं, लाइक बर्ड्स इज डन बाय विंग्स। तो ये लोग हवा में कैसे उड़ते हैं पक्षी, तो अपने पंखों से, दे आर कवर्ड विथ फीदर्स, इसका जो पंख होता है डैना जो होता है वो पंख से बना होता है। विंग्स आर मॉडिफाइड फोर लिम्स, और ये जो हम लोग का ऐसे फोर लिम्स होता है हाथ पैर, उसी का मॉडिफाइड रूप है इसका पंख। वर्ड्स मूव दियर विंग्स डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स टू फ्लाई, और ये अपने पंख को नीचे और पीछे की ओर मूव करता है, गति देता है उड़ने के लिए। दिस लिफ्ट द बर्ड्स अप बर्ड एंड मेक देम मूव फॉरवर्ड, ये जो पंख जो ऊपर नीचे करता और आगे पीछे करता है, इससे चिड़िया ऊपर उड़ती है और आगे भी बढ़ती है। दे यूज दियर टेल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दियर फ्लाइट, और अपना पंख को इधर उधर कर, पूंछ को इधर उधर करके वो डायरेक्शन चेंज करेगा उड़ने के समय। दे यूज दियर हिंड लिम्स फॉर वॉकिंग, उनका जो पैर जो होता है चौंगड़ा वाला उससे वो चलेगा, होपिंग एंड प्रीचिंग, और वो पकड़ेगा किसी चीज़ को खाने का रहेगा तो उसी पैर का जो चौंगड़ा उसे पकड़ के, और उससे ही ये शिकार भी करता है। दे हैव होलो एंड लाइट बोन विच हेल्प देम टू फ्लाई, इसके शरीर के अंदर जो हड्डी होता है हल्का और पतला होता है, खोखला होता है, इसको उड़ने में मदद करता है, इससे शरीर का हल्का रहता है। बर्ड्स लाइक इमू कीवी एंड ऑस्ट्रिच हैव विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई, अब कीवी इमू और ऑस्ट्रिच को पंख होता है लेकिन उड़ नहीं सकता क्योंकि दियर हैवी बॉडी एंड वीक विंग्स। कहता है इसका जो शरीर बहुत भारी होता है और इसका जो
पंख होता है ये कमजोर होता है इसलिए नहीं उड़ता है। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स, और ये फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है, उड़ने वाला पक्षी नहीं कहा जाता। दे कैन रन वेरी फास्ट एंड देयर स्ट्रॉन्ग हिंड लिम, लेकिन इसका पैर जो होता है उसके सहारे बहुत मजबूत होता है, बहुत तेजी से दौड़ सकता है। आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रिच के बारे में, उनके बारे में कि बहुत तेजी से दौड़ता है। अब हम लोग जानेंगे माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन का मतलब हुआ कि ये सब जो जानवर हैं, पक्षी हैं, एनिमल हैं, ये जैसे दूसरी जगह बहुत दूर तक चलते हैं, जाते हैं अपने स्थान को छोड़कर, इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इज ए सीजनल मूवमेंट, क्या बोलते हैं, माइग्रेशन इज ए सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन फॉर ब्रीदिंग एंड इन सर्च ऑफ फूड। तो माइग्रेशन जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जानवरों का, जीवों का, क्यों होता है, तो जब वहाँ का कंडीशन बहुत उनके अनुकूल नहीं रहता तो वहाँ से वो चले जाते हैं दूसरी जगह, जहाँ उनका कंडीशन अनुकूल होता है उस स्थान पर चले जाते हैं। और दूसरा चीज़, वे खाना के खोज में और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए भी। तो क्यों माइग्रेशन होता है, तो जब वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, उसके अनुकूल नहीं रहती है, तब वहाँ को छोड़ कर चले जाते हैं या भोजन के खोज में चले जाते हैं। दे रिटर्न टू देयर हैबिटेट व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल अगेन, और फिर वे वापस चले जाते हैं अपने आवास में जब वहाँ का कंडीशन फिर उनके लायक हो जाता है। माइग्रेशन टेक्स प्लेस बाय फ्लाइंग, स्विमिंग, वॉकिंग, बोरोइंग और हॉपिंग। कहता है कैसे कैसे माइग्रेशन होता है, उड़ के, तैर के, चल के, मच गए, और इस ढंग से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कहता है साइबेरियन क्रेन्स कम्स टू इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड, और साइबेरियन क्रेन का आप लोग नाम जानते हैं, हजारों मील से चल के भारत आता है क्योंकि ब्रीड करने के लिए, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। लॉक्टर्स ट्रेवल इन ए ह्यूज स्वार्म एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप। लॉक्टर्स बोलते हैं किसको, ये टिड्डा होता है, और ये बहुत बड़ा झुंड में आता है और जहाँ आएगा वहाँ के सारे फसल को डिस्ट्रॉय कर देगा। गीज फ्लाई इन वी शेप ग्रुप, गीज जो है वो वी शेप बना के चलता है, उड़ता है। मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट फ्रॉम कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका टू मैक्सिको, और ये जो मोनार्क बटरफ्लाईज है, तितली है, ये कनाडा और नॉर्थ अमेरिका से कहाँ जाता है, मैक्सिको जाता है। एनिमल्स सच एज व्हेल्स, फिश, लॉबस्टर्स, करीबियन माइग्रेट एंड मेक सीजनल जर्नी टू फाइंड रिलायबल फूड सप्लाईज एंड बेस्ट ब्रीडिंग प्लेस। ये व्हेल के बारे में आप जानते हैं, फिश के बारे में जानते हैं, लॉबस्टर, ये भी सब पानी का जानवर है, ये सब पानी के अंदर बहुत दूर तक चला जाता है, क्यों, खाना के खोज में और बेस्ट ब्रीडिंग प्लेस, खाने के अलावे वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए खोजता है कि कहाँ पे बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकते हैं, इसलिए वो चला जाता है। वाह, ये चैप्टर समाप्त हुआ, और हम लोग अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है। हैबिटेट द नेचुरल सराउंडिंग्स इन विच एनिमल लिव, हैबिटेट किसको बोलते हैं, वो प्राकृतिक जगह स्थान जहाँ की जानवर रहते हैं। एडेप्टेशन द एबिलिटी टू एडजस्ट टू द सराउंडिंग्स, कहता है एडेप्टेशन क्या है, जानवर का या जीव का कि उस सराउंडिंग के अनुसार अपने को कैसे ढालता है, एडजस्ट करता है। कॉमोफ्लैग एबिलिटी टू ब्लेंड विद द एनवायरमेंट, कॉमोफ्लैग क्या होता है, वो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल डालता है। माइग्रेशन मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एवरी ईयर टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन, माइग्रेशन क्या है कि हार्श कंडीशन को बदलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जो चलता है उसी को बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह ये सब चला जाता है। अब एक पोर्शन थोड़ा सा छूट गया, उसको भी हम रिपीट कर दें, तो जो छूटा है वो छूटा यहाँ से, एनिमल्स अडैप्ट देमसेल्फ फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द प्रीडेटर्स अटैक्स,
कुछ जो जानवर होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है किससे, अपना उस पर जो हमला करने वाला आता है, समझ गए, अपने शत्रु से। सम एनिमल्स लाइक ग्रास हॉपर्स हाइड इन दियर सराउंडिंग ड्यू टू दियर बॉडी कलर। अब देखते हैं ग्रास हॉपर्स का कलर कैसा होता है, हरा होता है, वो क्या करेगा, वो पेड़ पौधा के अंदर छिप जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि वहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा है, इसलिए उसको खाने वाला जो भी होता है, जो खाता है, कौन खाता है उसको, तो उसको पकड़ता चेमलेन जो गिरगिट बोलते हैं वो खाता है, उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा है। अब चेमलेन हैज एबिलिटी टू चेंज दियर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। और जो ये अभी बताए गिरगिट, ये रंग बदलता है, कैसे रंग बदलता है, जिस सराउंडिंग में जाएगा अपना रंग वैसा कर देगा, ये भी अपने शत्रु से बचने के लिए करता है। इसको कौन पकड़ता है, इसको पकड़ता है ऊपर से उड़ने वाला चिड़िया जो मांस खाता है, जो भी हम लोग देखे चील के बारे में और गिद्ध के बारे में, तो ये सब इसको खाता है, तो ये क्या करेगा, रंग बदल लेगा। स्नेक्स है पॉइजनस टिथन फ्लेम फैंग्स कॉल फैंग्स। और जो सांप होता है ये अपने शत्रु से बचने के लिए विष्णुमा दांत होता है, विष से भरा, द इंजेक्ट डेडली पॉइजन इन द बॉडी ऑफ द प्रीडेटर। और ये अपने शत्रु को क्या करता है, उसके शरीर में विष डाल देगा। स्कॉर्पियंस बीज एंड वार्म्स हैव पॉइजनस स्टिंग्स विच रिलीज पॉइजन व्हेन द प्रीडेटर अटैक देम। और हम लोग भी देखे किसके बारे में, तो जो बिच्छू होता है, स्कॉर्पियंस बीज मधुमक्खी और भौंरा वास्प, ये सबको भी डंक होता है, कैसा डंक, जहरीला डंक, जब इसको शत्रु उसको अटैक करता है वो उसको गरा देता है, समझ गए, अपने शत्रु से बचने के लिए। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखे हैं कि कैसे कैसे एनिमल अपने अनुसार अपना हैबिटेट बनाते हैं, उनका ऐसा सांस लेने का अति होता है, फिर उनका उसी प्रकार का खाने का मुख में दांत रहता है, ये सारा चीज़। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग मूविंग एंड फीडिंग डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट। कहता है जो जानवर जिस माहौल में रहते हैं उनको जैसा भोजन मिलता है, जैसा भोजन करते हैं, उसी के अनुसार वो सारा चीज़ उनको होता है, सांस लेने का ऑर्गेन, घूम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट का और खाने का। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग दैट हेल्प देम टू लीव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। और उनका अलग अलग शरीर का कवर भी होता है जिससे वो कुछ खास प्रकार के वातावरण में रह सकें। तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।